जय बालाजी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों टीटीडी जल्द ही लाखों भक्तों को एक बड़ी खुशखबरी देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टीटीडी फरवरी महीने में ही ऑफलाइन टिकट को जारी करने की योजना बना रही है और इसी के मद्देनज़र टीटीडी के बोर्ड की बैठक पिछले दिनों हुई और इस बैठक में ये फैसला लिया गया है कि अगर फरवरी में ओमिक्रॉन के केस नियंत्रण में आ जाते हैं तथा जिस प्रकार से अभी कोविड के केस में गिरावट दर्ज हो रही है, यही गति अगर रहती है तो 15 फरवरी के बाद से आम श्रद्धालुओं के लिए ऑफलाइन टिकट व्यवस्था लागू कर दी जाएगी तथा 15 फरवरी के बाद श्रद्धालु ऑफलाइन सरदर्शन टोकन द्वारा बालाजी के दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों अब टीटीडी इसके लिए इस बात पर चर्चा कर रही है कि अगर ऑफलाइन टिकट व्यवस्था लागू की जाती है तो यह टिकट कब से उपलब्ध कराया जाना चाहिए और कितने टिकटों की अनुमति दी जानी चाहिए, इन सारे चीज़ों की चर्चा अभी टीटीडी बोर्ड में हो रही है। तो जल्द ही इस बात पर निर्णय ले लिया जाएगा कि ऑफलाइन टिकट कब से जारी किए जाएंगे तथा रोज कितने भक्तों को दर्शन की अनुमति मिलेगी। तो वाकई दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी खबर है और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो टिकट ना मिलने के कारण काफ़ी परेशान थे और बालाजी के दर्शन को जाना चाहते थे। दोस्तों टीटीडी ने इस व्यवस्था को फिर से लागू किए जाने के विचार पर कहा है कि ग्रामीण इलाके के बहुत सारे लोग अब भी बालाजी के दर्शन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बालाजी के टिकट ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं और इसके कारण बहुत सारे लोग टिकट की बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए टीटीडी का मानना है कि अगर ऑफलाइन टिकट व्यवस्था जारी कर दी जाती है तो इससे एक बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को लाभ पहुंचेगा तथा वे बालाजी के दर्शन कर पाएंगे। और इसके साथ ही हेल्थ एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि 15 फरवरी तक देश में कोविड के केस में भारी कमी आएगी और इसके बाद लगभग सारी चीज़ें धीरे धीरे सामान्य होने लगेंगी। तो अगर 15 फरवरी तक सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाती है तो 15 फरवरी के बाद टीटीडी ऑफलाइन टिकट व्यवस्था को लागू कर देगी। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी खबर है और इसके साथ ही दोस्तों टीटीडी ने आम श्रद्धालुओं से एक अपील भी की है कि जिस प्रकार से अभी टीटीडी के नाम पर बहुत सारे फ्रॉड वेबसाइट्स बने हुए हैं और वहां से तिरुपति बालाजी के फर्जी टिकट जारी किए जा रहे हैं, इसको देखते हुए टीटीडी ने कहा है कि अगर कोई भी श्रद्धालु किसी भी अनऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का पेमेंट ना करें और ना ही वहाँ से किसी भी प्रकार के टिकट की बुकिंग करें क्योंकि यहाँ से फर्जी टिकट जारी किए जा रहे हैं। अगर आपको टिकट की बुकिंग करना है तो केवल और केवल टीटीडी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही करें। और इसके साथ ही अगर आपको इस प्रकार के किसी भी वेबसाइट्स की जानकारी मिलती है तो या तो आप इसके विरुद्ध शिकायत दर्ज करें या फिर इसकी जानकारी टीटीडी को दें ताकि टिकट में हो रहे स्कैम से बहुत सारे लोगों को बचाया जा सके। तो दोस्तों टीटीडी के इस अपील को ध्यान में रखें तथा टीटीडी ने जो भी अलर्ट जारी किए हैं उसे अच्छे से फॉलो करें और हो सके तो टीटीडी की हर संभव मदद करें इन स्कैमर्स तक पहुंचने में। हालांकि टीटीडी की विजिलेंस टीम इन सारे वेबसाइट्स पर नज़र रखे हुए हैं तथा इनके ऊपर कार्रवाई भी कर रही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग जल्द ही बालाजी के दर्शन के लिए ऑफलाइन टिकट का लाभ ले पाएंगे और ऑफलाइन टिकट व्यवस्था द्वारा बालाजी के दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो आगामी दिनों बालाजी की यात्रा पर आने की सोच रहे हैं। दोस्तों आपका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय बालाजी।